अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाया जाता है। वो मैसेंजर आरएनए भी हो सकता है, वो राइबोसोमल आरएनए भी हो सकता है, और वो ट्रांसफर आरएनए भी हो सकता है। आगे जब ये आरएनए बनते हैं तो इनके सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं तो उसमें मैसेंजर आरएनए के सेंसेस पढ़ रहे हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन की ज्यादातर डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए। ठीक है जी, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब कैसे होती है जी, बाय यूजिंग आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है जी, ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए बनाया जाता है। किस तरह? एंजाइम्स की मदद से, और इस एंजाइम को हम लोग कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है जी, अब ये है क्या, बेसिकली जो ट्रांसक्रिप्शन है ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। ठीक है जी, इसमें क्या होती है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। बेसिकली डीएनए के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सेल, अगर सेल डिवाइड करे तो अगली नस्ल में जाने के लिए, या सेल के अंदर जो कंट्रोल करना है एक्टिविटीज को, वो डीएनए के पास होती है। डीएनए से डायरेक्ट ये इंफॉर्मेशन सेल के पास नहीं होती, बल्कि क्या होता है, मैसेंजर आरएनए बनाया जाता है, वो मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के पास जाता है। कोई ना कोई खास प्रोटीन जो उस मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडिंग की फॉर्म में मौजूद होती है, उसका सीक्वेंस, उस सीक्वेंस को देखते हुए प्रोटीन बनाई जाती है, और वो प्रोटीन वो काम करती है जिसे बेसिकली हम लोग कहते हैं कि डीएनए या जेनेटिक मटेरियल कंट्रोल कर रहा है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर प्रोसेस होता है। अब इस प्रोसेस में जो स्टेप चलते हैं उसमें क्या होता है वो देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर सबसे पहले क्या होता है जी, डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो अनवाइंड होगा। ठीक है जी, डीएनए का स्ट्रैंड अनवाइंड होना चाहिए। नंबर टू, कुछ रिकॉग्नाइजिंग प्रोटीन हमें चाहिए, और ये प्रोटीन क्यों चाहिए, क्योंकि प्रमोटर हमें पता होना चाहिए कि जिस जीन को हमने ट्रांसक्रिप्ट करना है, जिस जीन का मैसेंजर आरएनए बनाना है, उसका प्रमोटर कहां है, और उस प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रोटीन जरूरी है। इसके अलावा इसके अंदर जो हमें चाहिए वो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये कुछ चीजें जो कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होती है तो हमें पता होनी चाहिए कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग प्रोकैरियोट की बात करें तो एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है जो ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए बना रहा होता है। जबकि यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक के अंदर आरएनए पॉलीमरेज 1 इसी तरह आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3 तीन तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं यूकैरियोट्स में। और काम क्या करते हैं, जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है इसका काम राइबोसोमल आरएनए बनाना है, जिसे हम लोग आरआरएनए कहते हैं। जो राइबोसोमल आरएनए पॉलीमरेज 2 है इसका काम मैसेंजर आरएनए बनाना है। ठीक है जी, यूकैरियोट के अंदर आरएनए पॉलीमरेज 2 का काम मैसेंजर आरएनए बनाना है, जिसे हम एमआरएनए कहते हैं। और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है इसका काम टीआरएनए बनाना है, जिसे हम लोग ट्रांसफर आरएनए का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है जी, प्रोकैरियोट में सिर्फ एक है जो तीनों बनाएगा, यूकैरियोट्स के अंदर तीन डिफरेंट है। पॉलीमरेज 1 का काम आरएनए बनाना है जो राइबोसोमल होगा, 2 का काम आरएनए बनाना है जो मैसेंजर होगा, और 3 का काम आरएनए बनाना है जो कि कौन सा होगा, ट्रांसफर आरएनए होगा। अब इस रिएक्शंस को जो हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा, तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है जी, तीन फेज होते हैं इस रिएक्शन के। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, उस फेज को हम लोग कहते हैं इनिशिएशन फेज, जिसमें क्या होता है आरएनए पॉलीमरेज उस
जीन के ऊपर जाके अटैच होता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करवानी है। तो पहला फेज है इनिशिएशन, दूसरा फेज है इलोंगेशन कि वो जो जीन बनी है जो स्टार्ट हो गया अब उस जीन की एंड तक आरएनए पॉलीमरेज़ ने जाना है और उस जीन को देखते हुए न्यूक्लियोटाइड ऐड करके एक मैसेंजर आरएनए बनाना है। तो दूसरा फेज इलोंगेशन है, और जो तीसरा फेज है वो है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या है, जहां तक ट्रांसक्रिप्शन करनी थी उस जीन के बाद आगे जो जीन है उस सीक्वेंस की ट्रांसक्रिप्शन नहीं करनी तो वहां पे टर्मिनेशन होगी। टर्मिनेशन कैसे होती है, कुछ रिलीजिंग फैक्टर होते हैं, कुछ सीक्वेंस जीन के एंड पे मौजूद होते हैं जिससे क्या होती है टर्मिनेशन होती है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इनिशिएशन की तरफ पढ़ेंगे कि इनिशिएशन बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन की कैसे हो रही होती है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन का प्रोसेस है ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है जी, आरएनए पॉलीमरेज अगर हम लोग प्रोकैरियोट की बात करें तो एक ही है, अगर यूकैरियोट की बात करें तो ये आरएनए पॉलीमरेज टू है, ये जाकर बाइंड करता है किसके साथ, प्रोमोटर के साथ, ठीक है जी। इनिशिएशन कौन सा प्रोसेस जिसमें क्या होता है आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर के साथ बाइंड करता है और आरएनए पॉलीमरेज से जो सिग्मा फैक्टर है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये आरएनए पॉलीमरेज क्या है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ये चार फैक्टर का इस्तेमाल होता है, ठीक है, बेसिकली पांच फैक्टर होते हैं लेकिन एक बाद में रिलीज हो जाता है, इसलिए बेसिक चार फैक्टर होते हैं। कौन कौन से, अल्फा, अल्फा ड्रॉप, उसके बाद बीटा और बीटा डैश। कुछ बुक्स में ये अल्फा डैश जो है इसे मैगर पढ़ा जाता है, और इनके अलावा एक फैक्टर होता है, इन चारों के अलावा एक फैक्टर होता है जिसे हम लोग कहते हैं सिग्मा फैक्टर। ये मिलके एक पोलो एंजाइम को एपो एंजाइम बना रहे होते हैं जो कि कन्वर्ट करता है एक्टिवेशन हो रही होती है। ये वो एंजाइम के पार्ट है जो मिलते हैं तो आरएनए पॉलीमरेज एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। अब इनमें जब बाइंडिंग हो जाती है तो ये जो सिग्मा फैक्टर है ये रिमूव होता है और क्या होता है कि बाकी पूरे हिस्से को इस सारे सबयूनिट्स में जब सिग्मा फैक्टर चला जाता है हम लोग कोर एंजाइम का नाम दे देते हैं। तो इनिशिएशन की तरफ आते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है ठीक है, डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है इसमें ओपन होना होता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि डीएनए का स्ट्रैंड ओपन ही होता है और इसी हालत में ही आरएनए पॉलीमरेज आगे जुड़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो स्ट्रक्चर बनता है इसे हम लोग कहते हैं क्लोज कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। लेकिन अगर क्लोज कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज के बाइंड करने के बाद यह स्ट्रैंड क्या होता है ओपन हो जाता है। अब जब डीएनए का स्ट्रैंड जो आरएनए पॉलीमरेज के अटैच करने के बाद क्लोज कॉम्प्लेक्स था यहां से खुल गया ओपन हो गया तो यही कॉम्प्लेक्स अब क्लोज की बजाय ओपन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, ठीक है, यही कॉम्प्लेक्स ओपन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अब इसके स्टार के ऊपर यहां पे कुछ सीक्वेंस मौजूद होता है जिसे हम लोग बेसिकली प्रोमोटर का नाम देते हैं, ठीक है जी। अगर हम लोग इसकी स्ट्रेट स्टैंड लिहाज से चेक करें तो फर्ज करेंगे डीएनए के दो स्टैंड है, ठीक है, इसमें ये वो जीन का हिस्सा है जिसे हमने ट्रांसक्रिप्ट करना है, इस जीन के हिस्से की क्या होनी है ट्रांसक्रिप्शन होनी है। तो इस जीन के स्टार्ट पे अपस्ट्रीम की तरफ, ठीक है जी, अपस्ट्रीम की तरफ जिस जीन को कॉपी करना है उससे पहले वाले
रीजन की तरफ अगर हम लोग जीन के जीन से इस तरफ को आते हैं तो उस हिस्से को हम लोग अपस्ट्रीम कहते हैं। यहां पे एक सीक्वेंस में जरूरत होता है, इस सीक्वेंस को हम लोग प्रोमोटर कह रहे हैं, जो कि यह वाला सीक्वेंस हम लोग कह रहे हैं, ठीक है जी। अब ये प्रोमोटर क्या है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंट होता है, लेकिन ये प्रोमोटर एक खास सीक्वेंस में इंस्टॉल होता है। जैसा कि इसके स्टार्ट इतने हिस्से को मैं नीचे ले रहा हूं, ये कह रही हमारा प्रोमोटर है, ये है वो बताया प्रोमोटर, ये वो चीज है जो आरएनए पॉलीमरेज़ को बताएगा कि मेरे बाद वो जीन मौजूद है जिसकी ट्रांसक्रिप्शन करके मैसेंजर आरएनए बनाना है। जैसा कि मैंने बात की, ये सीक्वेंस खास होता है तकरीबन राउंड ऑफ 40 टू 60 न्यूक्लियोटाइड का नॉर्मली होता है, लेकिन इससे कम ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसके स्टार्टिंग और एंडिंग के हिस्से में खास सीक्वेंस होता है। जैसा कि दो सीक्वेंस अमूमन हम लोगों ने देखे हैं, कौन कौन से, जो स्टार्टिंग पे मौजूद होता है वो होता है ये सीक्वेंस टी टी जी ए सी ए, ये सीक्वेंस मौजूद होता है, और इसके प्रमोटर के एंड वाले हिस्से पे जो सीक्वेंस मौजूद होता है, ठीक है जी, वो ये सीक्वेंस होता है टी ए टी ए ए टी। अब ये जो सीक्वेंस है इसे हम लोग टाटा बॉक्स भी कहते हैं। इसके अलावा इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे हम लोग कहते हैं प्रिग्नॉ बॉक्स या प्रिग्नॉ सीक्वेंस। क्यों ये साइंटिस्ट प्रिग्नॉ की वजह से लेट आकर इसे प्रिग्नॉ बॉक्स का नाम दे दिया। तो ये एक सीक्वेंस होता है जो कहां पे होता है, जीन की स्टार्टिंग पे मौजूद होता है, और इस सीक्वेंस के कॉम्बिनेशन को हम लोग प्रमोटर कहते हैं। ये इतना हिस्सा मैंने बेसिकली ये दिखाया है। अब ये जो सीक्वेंस होता है बेसिकली इसको एक और सीक्वेंस के नाम से भी नाम दिया जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोट्स में 35 सीक्वेंस रीजन, ठीक है जी, और इस वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं 10 सीक्वेंस रीजन, ठीक हो गया। कि प्रोकैरियोट की कंडीशन में ये जो सीक्वेंस है 35 सीक्वेंस रीजन कहते हैं, और इस रीजन को 10 सीक्वेंस रीजन कहते हैं। अगर यही सीक्वेंस यूकैरियोट में मौजूद हो तो हम लोग इनके नाम चेंज कर देते हैं, 10 वाला सीक्वेंस बन जाता है 70 सीक्वेंस, और जो 35 सीक्वेंस वाला है वो बन जाता है 25 सीक्वेंस, ठीक है जी। यूकैरियोटिक कंडीशन में 10 वाले सीक्वेंस को हम लोग 70 सीक्वेंस कहते हैं, और 35 वाले को 25 सीक्वेंस कहते हैं। ये प्रमोटर इस हिस्से में मौजूद है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अब क्या होगा, जो कि रिकॉग्नाइजिंग प्रोटीन है, ठीक है जी, कुछ प्रोटीन है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, रिकॉग्नाइजिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन आगे यहां पे बाइंड करती है, ठीक है जी। इन प्रोटीन का काम क्या है कि टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज करना और उसके साथ आके बाइंड करना। तो ये कौन सी है जी, ये रिकॉग्नाइजिंग प्रोटीन, ये प्रोटीन जैसे ही प्रमोटर के साथ आगे बाइंड करती है, जो आरएनए पॉलीमरेज था उसने आगे यहां पे अटैच होना होता है, ठीक है जी। ये जो हमें नजर आ रहा है ब्लू शेप, कुछ लोग इसे आरएनए पॉलीमरेज समझते हैं, लेकिन ये सिर्फ बबल दिखाने के लिए होता है। अब यहां पे आरएनए पॉलीमरेज आगे क्या करेगा, बाइंड करेगा, और साथ ही इसका ये रह आरएनए पॉलीमरेज इस तरह आगे बाइंड करता है। जैसे ये आगे बाइंड करता है, जो रिकॉग्नाइजिंग प्रोटीन है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है जी। रिकॉग्नाइजिंग प्रोटीन क्या हुई, रिमूव हो चुकी है। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, जैसे मैंने पहले बताया, इसके आगे एक फैक्टर लगा होता है जिसे हम लोग कह रहे हैं सिग्मा फैक्टर। रिकॉग्नाइजिंग प्रोटीन की ही तरह ये भी आरएनए पॉलीमरेज की प्रोमोटर के ऊपर करेक्ट लोकेशन के ऊपर बाइंडिंग करवाता है। जैसे ही बाइंडिंग होती है और आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड ऐड करना शुरू करता है, किसके, मैसेंजर आरएनए को बनाना शुरू करता है। बेसिकली मैसेंजर आरएनए का स्टैंड बनाता है, कैसे, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता रहता है। अब जब ये न्यूक्लियोटाइड बनाते वक्त 10 न्यूक्लियोटाइड बना चुका होता है, तो सिग्मा फैक्टर रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देता है,
अब रिस्ट्रिक्शन से बचने के लिए ये प्रोसेस स्मूथली कैरी ऑन रहे, एक प्रोसेस के जरिए यहां पर जो सिग्मा फैक्टर है इसको क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। अब जैसे ही सिग्मा फैक्टर रिमूव हुआ, इस हिस्से को ये एंजाइम की इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे कोर एंजाइम, ठीक है जी। इस हिस्से को हम लोग किस नाम से कहेंगे, कोर एंजाइम कहेंगे। ये कोर एंजाइम क्या करेगा, डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर चलना शुरू करेगा और ट्रांसक्रिप्शन करना, जो स्ट्रैंड की ट्रांसक्रिप्शन है वो एक लेयर से बनना शुरू हो जाएगी। ये इसके ऊपर मूव करेगा, स्ट्रक्चर मूव करता करता यहां तक आ गया तो पीछे से क्या होगा, स्ट्रैंड बना के जाएगा मैसेंजर आरएनए। ये जो आरएनए स्ट्रैंड बनता है इसे हम लोग मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह एक टिपिकल डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन के दौरान इनिशिएशन का प्रोसेस होता है। तो ये वो सारे प्रोसेस थे। इसके अलावा इलोंगेशन और जो टर्मिनेशन है ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो में सिर्फ इनिशिएशन के